11.4 द्रव्यमान एवं भार, मास एंड वेट। आप जानते हैं कि जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा को हम वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में यदि पदार्थ के कुल परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं किया गया तो किसी भी स्थान पर उस वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहेगा। हम अक्सर वस्तु को द्रव्यमान में मापते हैं, जैसे 2 किलोग्राम चावल, 1 किलोग्राम दाल, 3 किलोग्राम शक्कर आदि। यदि हम 2 किलोग्राम द्रव्यमान चावल को धरती से चंद्रमा पर लेकर जाएं, तो चावल का द्रव्यमान चंद्रमा पर भी 2 किलोग्राम ही होगा। एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। किसी वस्तु को धरती जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे वस्तु का भार कहते हैं। एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन है। समीकरण 6 से हम जानते हैं कि पृथ्वी की किसी निश्चित सतह पर स्मॉल m किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर पृथ्वी स्मॉल m गुणित स्मॉल g बल लगाती है, अर्थात स्मॉल m किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार पृथ्वी की उसी निश्चित सतह पर स्मॉल m स्मॉल g है। आपको क्या लगता है कि पृथ्वी की सभी सतह पर वस्तु का भार उतना ही है? क्या किसी वस्तु का भार पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज की सतह पर स्थिर रहेगा?